हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल होममेकिंग चैनल, जो कि प्रिया का चैनल है। आई थिंक क्यू एंड ए में कई लोगों ने ये सवाल पूछा था और हम लोगों ने इसका आंसर भी दिया। और प्रिया ने कई बार कहा है, जब हमारी शादी हुई तो प्रिया को कुकिंग नहीं आती थी, लेकिन मेरे को कुकिंग आती थी। मेरे को शौक बहुत था खाना खाने का। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ट्यूसॉन एरिजोना में थे, वहाँ पर इंडियन रेस्टोरेंट्स बहुत कम थे और अच्छा खाना मिलता भी नहीं था। सो वी यूज टू कुक अ लॉट ऑफ थिंग्स। और अच्छी बात, मेरे को एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक है, कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का। शादी के बाद प्रिया ने पूरा किचन टेक ओवर कर लिया। इनिशियली हम लोग के बहुत झगड़े भी होते थे, बड़ा मजा आता था। दाल में टमाटर को पीस के डालती थी क्योंकि उसको टमाटर देखना पसंद नहीं था। अब अनफॉर्चुनेटली यार, दाल में टमाटर पीस के मुझे थोड़ा कम पसंद था, तो झगड़े भी हुए। हम लोग फिर एक सुलह पॉइंट पर पहुंचे। फिर धीरे करके उसने अपनी कुकिंग इतनी अच्छी कर ली कि मैंने कुकिंग करनी ही छोड़ दी। लेकिन गोविंद होने के बाद मेरा बड़ा मन करता है, एटलीस्ट वीकेंड पर मेरे लिए काइंड ऑफ ये स्ट्रेस बस्टर है। जब मैं काम करके थक जाता हूँ तो मेरा मन करता है कुछ नई रेसिपी कुक करते हैं यार, आज कुछ बढ़िया बनाते हैं। तो फाइन, व्हाट आई प्लान्ड इज कि मैं रेसिपीज खुद से शूट करूंगा स्पेशल। और स्पेशली अगर आपको खाने में कुछ ट्विस्ट लाना है, कुछ मजेदार चीज चाहिए, एक्सपेरिमेंट करने का शौक है, तो आपको मजा जरूर आएगा। और हाँ, इन रेसिपीज में आपको 100% कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट दिस सीरीज। तो पहली रेसिपी मैंने सोचा बनाते हैं पनीर बटर मसाला। मेरे ऑलरेडी मुंह में पानी आ रहा है क्योंकि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट डिशेस है। अच्छा, पनीर बटर मसाला सब लोग बनाते हैं, अलग अलग सबका स्टाइल है, ढाबे का स्टाइल, ये स्टाइल, वो स्टाइल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई आर्टिफिशियल कलर्स कतई ही पसंद नहीं करता खाने में, नेचुरल कलर्स होने चाहिए। नेचुरल कलर के साथ ढाबे वाला कलर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आता है। और इस रेसिपी को मैं गैस के ऊपर कम पकाऊंगा, मैं इसको ओवन में पकाऊंगा, कम तेल कम घी के साथ। आइए आपको दिखाते हैं बेक्ड पनीर बटर मसाला रेसिपी। ऑलराइट, मैंने ओवन का टेम्परेचर 490 पे सेट किया और मैं इसको प्रीहीट स्टार्ट कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जियाँ काटने से पहले, कुछ भी चॉपिंग करने से पहले आप ओवन को प्रीहीट करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ओवन टिपिकली प्रीहीट होने में भी 10 से 15 मिनट लेगा, उतनी देर में आपकी सब्जियाँ चॉप हो जाएंगी। पनीर बटर मसाला बनाने के लिए टमाटर, लाल टमाटर बढ़िया रहेंगे, 3 टमाटर तक अच्छे रहेंगे। ये रेसिपी मैं बना रहा हूँ टिपिकली 4 लोग को सर्व कर सकती है। 3 टमाटर लीजिए, प्याज का टुकड़ा इतना बड़ा या इंडिया में से छोटा प्याज आता है उतना चलेगा। अदरक चाहिए थोड़ी सी। मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है गार्लिक ही बना खाना, तो मैं पनीर बटर मसाले काफ़ी गार्लिक ही बनाता हूँ। आपको कम करनी हो आप कम कर सकते हैं। मैं 5 से 6 क्लव टिपिकली मैंने लिए हैं। हरी मिर्च ली है, बहुत तीखी नहीं है लेकिन ये खाने को अच्छा कलर देती है। और फॉर श्योर आपको पनीर तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बेकिंग ट्रेज ली हैं और बेकिंग ट्रेज के ऊपर मैंने सिल्वर फॉइल चढ़ा दी है। ज़रूर करिए, बेकिंग ट्रेज को डायरेक्टली मत यूज़ करो, नहीं तो उसको धोने में बहुत आफत आती है। सिल्वर फॉइल रहेगा, आराम से काम बनता है। साथ में मैंने यहाँ पर सरसों का तेल लिया है ब्रश के साथ, जिससे मैं ऑयलिंग करूँगा। ये खड़े मसाले हैं जो मैं यूज़ करने वाला हूँ। लाल मिर्च खड़ी, धनिया के सीड्स हैं, लौंग है, तेज पत्ता, सौंफ, और साथ में मैं यूज़ करूँगा थोड़ी सी कसूरी मेथी। तो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेज ली हैं। इसमें मैं करूँगा पनीर छोटे वाले में अलग से, क्योंकि पनीर को बहुत देर तक मैं बेक नहीं करूँगा, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। और इस ट्रेज में मैं करूँगा सब्जियाँ। तो मैं पहले थोड़ा सा ऑयल लेके दोनों को हल्का सा ग्रीस कर दूँगा। पनीर को आप किसी भी शेप में काट लीजिए, डजंट मैटर, मुझे पर्सनली ट्रायंगल्स पसंद है। ऑलराइट, तो मैंने पनीर को काट लिया है और ट्रे में रख लिया है। मैं हल्का सा इसके ऊपर बहुत हल्का सा मामूली सा ऑयल लगा दूंगा, ब्रश कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को चॉप कर लिया है, टमाटर के हल्के थिक साइजेस रखे हैं मैंने। यहाँ पर मिर्ची को मैंने रफली चॉप किया है, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत से चॉप करने की, क्योंकि एट द एंड आफ्टर बेकिंग हम लोग इसको ग्राइंड करेंगे। प्याज को रफली चॉप किया है, यह मैंने अदरक की लाइन लगाई यहाँ पर, और बीच में गार्लिक डाल दिया है। एज आई प्रोमिस, बहुत कम ऑयल रहेगा लेकिन बेकिंग के लिए हल्का हल्का आपको हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा देना चाहिए। कई लोग ओलिव ऑयल खाना पसंद करते हैं, प्लीज़ ओलिव ऑयल यूज़ करिए,
काफी हेल्दी होता है, मुझे पर्सनली स्वाद इसका काफी अच्छा लगता है। तो इसके बाद खड़े मसाले हम लोग जो उन्होंने लिए थे ये मैं पूरी ट्रे पे फैला दूंगा बीच बीच में। और फाइनली आप थोड़ी सी कसूरी मेथी थोड़ी सी हाथ में ले ली है मैंने और इसको, तो मेरा ओवन प्रीहीट हो चुका है, अब मैं इसको ओवन में रखने जा रहा हूं। मैं पनीर को भी साथ में रख रहा हूं लेकिन मैं पनीर को जल्दी निकाल लूंगा, हल्का सा ये ब्राउनिश कलर आएगा ऊपर उसके बाद मैं इसको निकाल लूंगा, सब्जियां थोड़ी देर तक होंगी। टेम्परेचर मैंने 490 पर ऑलरेडी सेट कर रखा था, प्रीहीट हो चुका है, 490 पे इसको रहने देंगे। सब्जियां करीब करीब 30-35 मिनट तक बेक होंगी, पनीर 5-7 मिनट में मैं निकाल लूंगा। तो मैंने पनीर को 5 मिनट के बाद निकाल लिया है, मैंने बहुत नॉर्मल बेक किया जैसे आप देख सकते हैं, इससे पनीर हल्का सा पक गया है, इससे ज़्यादा बेक करने पर इसके अंदर का पानी सूख जाएगा फिर आप नहीं खा सकते, इस वक्त ऑप्टिमम है। ऑलराइट, सो 35 मिनट्स के बाद मैंने इसको बेकिंग से बाहर निकाला है, आप देख सकते हैं सब कुछ बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको टमाटर का लाल दिख भी रहा है वो इट्स गोना गिव यू अ वेरी गुड कलर, सब कुछ बहुत परफेक्टली बेक हुआ है। अब मैं इसको ठंडा होने का वेट करूंगा एंड देन आई विल ग्राइंड इट। अब आप एक पैन में थोड़ा सा घी लें या फिर बटर लें, मैं प्रेफर करता हूँ बटर, यह इसमें ये हल्का सा सॉल्टेड है बट आई लाइक इट, मैं बहुत थोड़ा सा ही बटर डालूंगा क्योंकि मैं हेल्दी भी रख रहा हूँ रेसिपी को साथ साथ, तो मैंने इतना सा बटर लिया है। आपको अगर खूब बटरी बनाना है आप ज़्यादा बटर भी ले सकते हैं। तो यहाँ मेरा बटर गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें थोड़ी सी बस हींग डालूंगा मसाले में, रिव्यू कलर देखिए जो मैंने पीसी है कितना ब्राइट कलर आया है बिना किसी आर्टिफिशियल कलर के। मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा, ग्रेवी में उबाल आ गया है, इसमें हम लोग पनीर ऐड करेंगे। सब्जी की कंसिस्टेंसी मैंने यहाँ पर ऐसी रखी है और ट्विस्ट के लिए मैं इसमें मैगी मसाला डाल रहा हूँ जो वो किसी भी इंडियन स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। सब्जी तैयार हो चुकी है, लास्ट में मैं नमक ऐड करूंगा स्वाद अनुसार। अब मैं सब्जी में थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ऐड कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ ऊपर से सो गार्निश करने के लिए। सब्जी बहुत अच्छी बनी है, सबको बहुत पसंद आई, आप भी प्लीज सब्जी को ट्राई करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, इस वीडियो को खूब लाइक करें और आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। सी यू, बाय।